मैं सहिल कसमा इनेलो छात्र संगठन से जिला अध्यक्ष सर का। सहिल जी, आज जो सुभाष चंद्र जी की जयंती मनाने आ पाए हैं, क्या लगता है हर युवा में ये जोश होना चाहिए? नो डाउट, निसंदेह होना चाहिए जी। और आज हमारे देश के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती है। उस जयंती को मनाने के लिए सभी भाइयाँ एकत्रित हुए हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे हमने माल्यार्पण करके उन शहीदों को नमन किया है जिनकी शहादत को हम कभी भी नहीं भूल सकते जी। तो ISO का क्या मार्गदर्शन है? स्टूडेंट जुटते जा रहे हैं, क्या कोई मार्गदर्शन भी दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल सर, आपने जो ये बात पूछी है, तो सर आज हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे आज छात्र, जितने भी युवा एकत्रित हुए हैं, उन छात्रों को, हमारे उन शहीदों को नमन करना चाहिए, उनकी शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अपने माँ बाप की 9वीं संतान थे, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस अपने टाइम के हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील थे और उड़ीसा के अंदर एक बहुत अमीर खानदान में सुभाष चंद्र बोस जी ने जन्म लिया था। एक छोटी सी उम्र में यहाँ से इन्होंने BA की डिग्री ली और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड जाके ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे इंग्लैंड में चौथे नंबर की इनकी रैंक आती है। आज हम ये देखते हैं जो हमारे नेता घूम रहे हैं, जो तीसरी फेल चौथी फेल नेता घूमते हैं, इनको बहुत खुशी मिलती है कि इनकी हाजिरी मारो नेताजी करके। सुभाष चंद्र बोस असली नेताजी थे जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में ICS का एग्जाम क्लियर किया था और एक देशभक्ति के नाते, एक जुनून के नाते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके अपने देश हिंदुस्तान में वापस आते हैं और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के अंदर वो शामिल होते हैं। सुभाष चंद्र बोस उन कुछ ही स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने अपने घर में सब कुछ होने के बावजूद भी अपना तन मन धन सर्वस्व कुर्बान कर दिया और देश की आज़ादी के अंदर एक ऐसी आहुति दी जिसको अगर हम 100 जन्मों तक 1000 साल तक याद रखें तो भी वो कम होगा। सर जी, नेताजी की बात कर रहे हैं, असली नेता तो सुभाष चंद्र जी थे, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है, अब जो नेता है उनके बारे में थोड़ा बता दें। बिल्कुल जी, तो बात एक रिपीट करने वाली बात होगी। बिल्कुल, आज हम ये नेताओं को देखते हैं, ये तीसरी फेल चौथी फेल आदमी बोलते हैं, कोई चीज़ का इनको ज्ञान भी नहीं है, उसके बाद भी बड़ी इनको खुशी मिलती है इनकी हाजिरी मारो नेताजी करके। सुभाष चंद्र बोस तो एक BA पोस्ट ग्रेजुएट, एक वकील, एक ICS क्लियर आदमी थे, जो छोटी बात नहीं है, दुनिया में चंद आदमी ने इतनी पढ़ाई क्लियर करी थी तो उन्हें नेताजी की उपाधि मिली थी उसके बाद में। चलिए, और भी यहाँ पे युवा साथ है ISO के, क्या सुभाष चंद्र बोस जी को हर युवा को पढ़ना चाहिए? आज जो बात आपके प्रेसिडेंट ने करी, असली नेता तो वो थे, आज के नेता हाजिरी वाले रह गए। जैसा कि हमारे भाई साहिल दीप ने कहा कि आजकल ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि यही देखते आ रहे हैं भी नेता की हाजिरी मारो तो वही खुश रहते हैं। हमारा मानना यही है कि उन्हें सभी को नेताजी जैसा बनना चाहिए, उन्हें नक्शे कदम पर ही चलना चाहिए। सर जी, तो अब आप मान रहे हैं हम पढ़ेंगे इसको, सुभाष चंद्र जी को और पढ़ने की जरूरत है? जी सर, सुभाष चंद्र बोस जैसे हर व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत है सर, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चल के ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है सर जी। चलिए, और भी यहाँ पे स्टूडेंट है, आप क्या कहेंगे सर? ISO रोजाना देखते हैं, टीम चलाती है, मगर ISO को जोड़ते हुए आप क्या संदेश देंगे? आइए कुछ छोड़ गए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, युवा साथी मिल के रहें, सद्भावना का सबके पास अपना मिलजुल के रहें। और आज सुभाष चंद्र जयंती है, सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सुभाष चंद्र जी के बारे में। इन्होंने युवाओं में जोश डाला था जिस टाइम स्वतंत्रता हमारा संग्राम चल रहा था, तो इन्हीं के मार्गदर्शन पर आज हमें पता था। बहुत से युवाओं को आज मैं यही कहना चाहूँगा जिनको पता नहीं है कि पहले तो सबको पता होता था आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है, आज महात्मा गांधी जयंती है। युवा वर्ग काफ़ी पिछड़ गया है, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा मतलब योगदान है, सोशल मीडिया की वजह से लोग इसको मतलब कि कैचअप नहीं कर पा रहे और खड़े नहीं हो पा रहे। हमें मतलब फेसबुक पे और चीज़ें छोड़ी जाती हैं, देशभक्ति भूल जाती है, भक्ति भूली जाती है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा इनका योगदान था और इन्होंने जितनी किया है शायद कोई कर भी नहीं सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे। ISO हमारा एक संगठन है जो हमारे सब कॉलेजों में चलता है और हमारा यही है सब युवाओं को मिलके रहना और अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करना, मतलब कि तभी हम इकट्ठे हुए हैं आज इनको। हर घर में क्या जरूरत है सुभाष चंद्र, आप देशभक्ति करते हैं, आप मालाएं और? बिल्कुल सर, मैं तो आज के जैसे हमारे युवा साथी हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल का हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो ऐसे गलत कामों को छोड़कर अपने परिवार की ओर देखते हुए हमें ऐसे देशभक्ति के कामों में आगे आना चाहिए। तो ब्लड डोनेशन कैंप हमारे ISO की तरफ से लगाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आज हमने पोल अर्पित किया, हमारे काफ़ी युवा साथी आए हैं, उन सभी का हमें अपना आभार व्यक्त करते हैं और सभी युवा साथियों से अपील करते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर भाग लें।